दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 बिजनेस आइडिया के बारे में, जो बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया है जिसको करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों हम सभी लोग सोचते हैं कि कोई ऐसा बिजनेस किया जाए जिस बिजनेस में कम पूंजी लगे और प्रॉफिट ज्यादा हो, और ये जो बिजनेस आइडिया है ये सेम उसी तरह का है। आप कम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसको करना कैसे है, क्या करना है, कौन सी ऐसी बिजनेस आइडिया है, कौन कौन सी ऐसे बिजनेस आइडिया है जिसको हम करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 बिजनेस आइडिया के बारे में जो कि आप करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, ज्यादा पूंजी लगाना पड़ेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबसे कम पैसे लगाकर सबसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ए टू जेड बिजनेस आइडिया जानते हैं कि किस तरह से हम कौन सा बिजनेस करें, किस तरह से करें कि हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बिल्कुल कम टाइम में मैं आपको 25 बिजनेस आइडिया दूंगा जिस बिजनेस को करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, ये जो बिजनेस आइडिया है अगर आप 2024 में कर डालेंगे, करना शुरू करेंगे, तो आप यकीन मानिए बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला बिजनेस आइडिया है दोस्तों सिंगार की दुकान। आपको क्या लगता है कि सिंगार की दुकान अगर कर लेंगे तो अच्छा पैसा नहीं कमाएंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे? सिंगार यानी कॉस्मेटिक आप भली भांति जानते होंगे, और इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट है दोस्तों, इतना फायदा है, और इतना ये सुटेबल बिजनेस आइडिया है, इतना चलने वाली बिजनेस आइडिया है कि आप इसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। और ये आपको कब समझ आएगा, जब इस बिजनेस को करना शुरू करेंगे, जब करके पैसा कमाएंगे ना, तब आपको अपने आप पे भरोसा होगा कि यार वो बंदा सही बोल रहा था कि कॉस्मेटिक यानी सिंगार की दुकान में इतना अच्छा पैसा है कि मतलब कहा नहीं जा सकता है। तो आप ये पहला बिजनेस आइडिया है, आप सिंगार का दुकान करके कॉस्मेटिक बिजनेस करके भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आप इसके बारे में जरूर सोचेंगे। और ये घर घर बिकने वाली प्रोडक्ट है, हर लड़की को, हर लेडीज को चाहिए। किसको कॉस्मेटिक का सामान नहीं चाहिए, सबको चाहिए, आपको भी पता है। तो इस बिजनेस के बारे में आप जरूर सोचें, ये भी पावरफुल बिजनेस आइडिया है दोस्तों, इसके बारे में आप जरूर सोचें। दूसरा जो बिजनेस आइडिया है वो है सैलून की दुकान। आप सैलून की दुकान करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं ये जानता हूं कि आपको हेयर कटिंग करने नहीं आता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके और आप खोलकर एक दो कारीगर रख के बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हाँ, ये है कि आपको थोड़ा बहुत जानकारी लेना पड़ेगा कैसे हमें करना है, किस तरह से कारीगर को पेमेंट करना है, किस तरह से हम मतलब आपको मतलब बैठाना पड़ेगा ए टू जेड जो जानकारी है सैलून के बिजनेस को लेकर, आपको वन बाई वन जानकारी लेना पड़ेगा। और चैनल पे यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, हर बिजनेस आइडिया आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कि कौन सा बिजनेस कैसे करें। तो आप सैलून के बिजनेस के बारे में जानकारी लेकर आप सैलून का भी दुकान खोल सकते हैं, कारीगर रखकर करवा सकते हैं, मतलब हेयर कटिंग का काम मतलब शुरू करवा सकते हैं। तो इस तरह का ये भी बिजनेस काफी बहुत अच्छा पैसा है इस बिजनेस में है। आज के डेट में आप देखे होंगे कई बार ऐसा होता है कि लाइन लगना पड़ता है, बात सही है ना, कई बार ऐसा होता है कि लाइन लगना पड़ता है, 8वें 10वें नंबर पे मतलब कटिंग होता है। तो इसलिए मैं कर रहा हूं कि अगर आपको कटिंग करने नहीं आता तो एक दो कारीगर रख के आप सैलून का बिजनेस भी खोलकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तीसरा जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, किराना दुकान का बिजनेस। ये आप गाँव में भी खोल लेंगे ना तो बहुत अच्छा इनकम होगा। किराना एक ऐसा दुकान है, किराना यानी जनरल स्टोर, पार्चून जिसको बोलते हैं, आप जैसे गांव घर में देखते होइएगा बहुत सारा दुकान है, बहुत कम भी दुकान है, बहुत ज़्यादा भी दुकान है, तो हर किसी का दुकान चलता है। तो आप किराना स्टोर का भी मतलब दुकान खोल के बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और ये एक बिजनेस है जो आप कम पैसे में, आपके पास 5000 रुपया है ना, 5000 में भी शुरू कर सकते हैं, ज़्यादा है तो और अच्छी बात है। आप अपने बजट के हिसाब से किराना दुकान खोल कर भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चौथा बिजनेस आइडिया है दोस्तों मेडिकल स्टोर। अगर आपके पास पैसा है, थोड़ा बहुत जानकारी है, और नहीं जानकारी है तो आप किसी डॉक्टर के पास रहकर थोड़ा बहुत जानकारी लीजिए और एक छोटा सा क्लिनिक खोलकर आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
पैरासीटामोल देना होता है, और भी बहुत सारा दवाइयां हैं जिसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रख के आप मेडिकल स्टोर का भी दुकान खोलकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दें, ये भी बिजनेस आइडिया काफ़ी बहुत अच्छा है। अगला जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, वो है दूध का बिजनेस। दूध का बिजनेस करके भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब आप ये मत सोचिए कि दूध बेचना पड़ेगा, मेरे भाई पैसा चाहिए तो बेचना पड़ेगा, शरमाएंगे तो काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि शरमाने से पैसा आने वाला नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान दें, दूध के बिजनेस करके भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं दूध का बिजनेस कैसे करूं, तो मेरे चैनल पे दूध से रिलेटेड, दूध का बिजनेस कैसे करें इससे रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में जितना भी मैं बिजनेस आइडिया बताऊंगा, हर बिजनेस आइडिया से रिलेटेड एक वीडियो बनाया गया है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत पूरा डिटेल से बताया गया है कि इसका बिजनेस हम कैसे करें। अगला बिजनेस आइडिया है दोस्तों, कपड़ा का बिजनेस। ये सबको पता है, कपड़े हर इंसान को चाहिए, छोटा से लेकर बड़ा तक सबको कपड़ा चाहिए, चाहे वो ठंडी का हो या गर्मी का हो। तो आप कपड़ा का बिजनेस करके भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और कपड़े का एक ऐसा बिजनेस है जिसमें दोगुना प्रॉफिट है। जी हाँ, दोगुना प्रॉफिट है, और इसमें कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि कौन सा कपड़ा कितने का है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कपड़ा का भी बिजनेस करेंगे ना तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। तो ये भी कपड़ा के बिजनेस के बारे में आप जरूर सोचें। अगला बिजनेस आइडिया है दोस्तों, डीजे साउंड का बिजनेस। आपको अजीब लगता होगा लेकिन ये हकीकत है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसे हैं तो आप डीजे साउंड खरीद लीजिए, और इसका भी बिजनेस करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जितना लोग एक साल में नहीं कमाता है ना, उतना लोग डीजे साउंड में 3-4 महीने में कमा लेता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये डीजे साउंड जो किराया का बिजनेस है, डीजे साउंड जो लेकर भाड़ा पे लोग चलाते हैं, ये भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। एक एक दिन में 10-10 हज़ार रुपया लेते हैं चार्ज। अब सोच के देखिए, अगर किसी महीना में मान लीजिए कि एक दिन एक रात का 10 हज़ार रुपया लेते हैं, अगर एक महीने में 10 भी बुकिंग हो गया, 10 भी ऑर्डर आ गया डीजे का, तो 1 लाख रुपया आपका आ गया। और ऐसा नहीं है कि 10 ही बुकिंग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा होता है। तो आप इस बिजनेस के बारे में भी सोचें, डीजे साउंड का बिजनेस करके भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला है दोस्तों, टेंट हाउस का बिजनेस। टेंट हाउस का बिजनेस यानी इस बिजनेस में भी बहुत अच्छा पैसा है। तो इसके बारे में भी आप जरूर सोचिए, अगर थोड़ा बहुत पैसा है तो इसके बारे में सर्च करके कि टेंट का बिजनेस कैसे करें। आप ये टेंट का बिजनेस करके भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला है दोस्तों, फास्ट फूड का बिजनेस। आप सबको पता है कि कोई भी मार्केट जाता है तो कुछ ना कुछ चटपटा लेने का मन करता है। तो आप फास्ट फूड के बिजनेस के बारे में भी जरूर सोचिए, फास्ट फूड के बिजनेस में भी बहुत अच्छा पैसा है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस बिजनेस को करने के लिए कितना पैसा चाहिए, कौन सा फास्ट फूड का बिजनेस करें, तो इससे भी रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। इस बिजनेस में भी बहुत कम लागत में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो फास्ट फूड बिजनेस के बारे में भी आप जरूर सोचिए, बहुत अच्छा इनकम है इस बिजनेस में भी। आइडिया है दोस्तों, ट्यूशन का बिजनेस। अब आपको अजीब लगता होगा कि यार ये भी कोई बिजनेस है। ट्यूशन क्लासेज का बिजनेस, आप ट्यूशन पढ़ाकर भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप सोच के देखिए, आप पढ़े लिखे हैं और आपके पास कुछ नहीं है, पैसा वगैरह कुछ नहीं है बिजनेस करने के लिए, और आपके पास टैलेंट है, नॉलेज है, जानकारी है, तो आप उस जानकारी को सेल करके यानी एजुकेशन सेल करके पैसा कमा सकते हैं। एजुकेशन सेल करना मतलब ट्यूशन पढ़ाकर, स्कूल में पढ़ाकर आप पैसा कमाकर कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। यह इस बिजनेस में भी बहुत अच्छा पैसा है, आप ट्यूशन पढ़ा के भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसके बारे में भी आप जरूर सोचें। अगला बिजनेस आइडिया है दोस्तों, जो सबसे कम पैसे में शुरू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं वेजिटेबल का बिजनेस, सब्जी का बिजनेस। आपको शर्म लगेगा, हमको मालूम है आप शर्माएंगे, लेकिन यकीन मानिए सब्जी का एक ऐसा बिजनेस है, इसमें भी दोगुना प्रॉफिट है। इससे भी रिलेटेड मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, मतलब देख सकते हैं कैसे करें। तो आप सब्जी का बिजनेस करके भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगला है दोस्तों, कार पेंटिंग का बिजनेस। कार पेंटिंग यानी बढ़ई का काम, मेरे को मालूम है आपको नहीं आता,
किसी के पास रहकर सीख सकते हैं, इसमें भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जिसको बोलते हैं फर्नीचर का काम। तो इस फर्नीचर के बिजनेस में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको बनाने नहीं आता तो आप एकदम जैसे बने बनाया लेकर सेल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पैसे हैं आपके पास तो बने बनाया हर चीज मिलती है, उसको भी लेकर आप सेल कर सकते हैं। यानी कि फर्नीचर के बिजनेस में भी बहुत अच्छा इनकम है, बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे। अगला बिजनेस आइडिया है दोस्तों, लैपटॉप कंप्यूटर रिपेयरिंग का बिजनेस। इस बिजनेस में हर कोई नहीं जाता, लेकिन अगर आप जानते हैं नहीं जानते हैं तो आप सीख कर इसका भी बिजनेस करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मार्केट में इसका दुकान बहुत कम दिखने को मिलता है, लेकिन अगर आप सीख कर इसका भी बिजनेस करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। तो इस बिजनेस के भी बारे में जरूर सोचें। अगला है दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस। ये तो आपको मालूम है कि ये बहुत ही पावरफुल बिजनेस आइडिया है, मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस। इसको भी करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला है दोस्तों, इलेक्ट्रिक शॉप, इलेक्ट्रिक का दुकान। इसको भी करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, इसमें भी दोगुना प्रॉफिट होता है, आपको मालूम है। नहीं मालूम है तो किसी दुकानदार से आप जाकर सर्च कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा पैसा है इस बिजनेस में भी। अगला है दोस्तों, टीवी एलईडी रिपेयरिंग का बिजनेस। अगर आपको आता है नहीं आता है तो सीख कर सकते हैं टीवी एलईडी रिपेयरिंग का बिजनेस। इस बिजनेस में भी बहुत अच्छा पैसा है। उसके बाद है दोस्तों, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का बिजनेस, बाइक रिपेयरिंग, बहुत अच्छा पैसा है। आपको लगता होगा कि हाथ काला हो जाता है, यार ये कौन करेगा, लेकिन यकीन मानिए इसमें भी बहुत अच्छा पैसा है। देखिए, जो इंसान जो बिजनेस करना शुरू कर देगा ना, उसको लगेगा कि यार इस बिजनेस में तो बहुत पैसा है, बस आपको करने भर देर है। मोबाइल रिपेयरिंग, बाइक रिपेयरिंग, ये सब में बहुत अच्छा पैसा है। बाइक रिपेयरिंग करने नहीं आता है, थोड़ा बहुत समय लगेगा, सीख जाइएगा, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। ऑनलाइन शॉप का दुकान, यानी ऑनलाइन से रिलेटेड जो भी कामें होती है, जैसे फॉर्म फिलअप करना, आधार कार्ड बनाना, पैन कार्ड बनाना, जमीनी कागजात निकालना, इस तरह से ऑनलाइन बहुत सारा काम होता है। तो आप ऑनलाइन से रिलेटेड भी काम करके, बिजनेस करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, कौन सा बिजनेस आपको पसंद आता है, कौन सा बिजनेस के लायक आप है, किस बिजनेस में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो आप अपने हिसाब से, बहुत सारा बिजनेस आइडिया है, आपको जो लगे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है दोस्तों, मसाले का बिजनेस। मसाले के बिजनेस में भी बहुत अच्छा इनकम है। इस बिजनेस पे किसी को ध्यान ही नहीं जाता, और बिना मसाला का कुछ होने वाला नहीं है। कुछ भी बनाना है तो मसाला चाहिए, हल्दी चाहिए, मिर्च चाहिए, धनिया चाहिए, पाउडर चाहिए। तो आप मसाला का बिजनेस करके भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसके बारे में भी आप जरूर सोचें। अगला बिजनेस आइडिया है दोस्तों, जूता चप्पल का बिजनेस। इसमें भी बहुत पैसा है। आपको लगता होगा कि यार क्या ये बिजनेस आइडिया है, लेकिन है, बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं जो लोग इसका दुकान किए हुए हैं, बिजनेस किए हुए हैं। बस एक बेच दिए, एक जूता बेच दिए, 250-500 का काम हो गया। एक चप्पल बेच दिए, सेल कर दिए, 250-500 का काम हो गया। यानी रेंज के अनुसार, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर जूते चप्पल में आपको 250 या 500 मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी में कम या किसी में ज़्यादा। देखिए, बिजनेस ऐसा होता ही है, कम ज़्यादा लगा रहता है। तो आप चप्पल जूते का बिजनेस करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक बात और, अगर आपके पास पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए है, जिस बिजनेस का नाम है स्कूल का बिजनेस। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास जगह है, जमीन है, पैसे हैं, तो आप स्कूल उसमें बनवा दीजिए और स्कूल का बिजनेस कीजिए। देखिए, हर माँ बाप चाहता है कि उसका लड़का जो है अच्छे स्कूल में पढ़े। तो अगर आप अच्छा स्कूल बनाएंगे, अच्छा टीचर रखेंगे, तो आप इस बिजनेस से भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और ये बिजनेस, सबसे लॉजिक बात ये है कि ये बिजनेस कभी बंद होने वाला नहीं है। पढ़ाई कभी ख़त्म होगी नहीं, एजुकेशन कभी ख़त्म होगा नहीं। हर माँ बाप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन कराएं, पढ़ाई करवाएं। तो आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप स्कूल खोलकर, कुछ टीचर्स को रखकर आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। टीचर बहुत मिल जाएंगे, हर टीचर के पास उतने पैसे नहीं है कि वो स्कूल खोले,
तो अगर आपके पास कुछ अच्छा खासा पैसा है तो आप स्कूल का बिजनेस करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, इसमें भी बहुत अच्छा पैसा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बिजनेस कैसे करूं, तो हर चीज़ से रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, आप किसी का भी वीडियो देखकर जानकारी लेकर और आप कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में भी बहुत अच्छा पैसा है दोस्तों, आप इस काम को भी करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह से अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलती रहे।